अस्सलाम वालेकुम। इसी दुआ उम्मीद के साथ जहाँ कहीं रहें खुश रहें बाद रहें। आज हम बनाएंगे डिज़र्ट, और डिज़र्ट में हम बनाएंगे गाजरों वाली खीर। ये बहुत सी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत से लोग भी पसंद करते हैं। तो ये 1 लीटर दूध की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर 1 लीटर दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। जब 2 से 3 बॉयल आ जाएँ तो आप इसके अंदर 1 गाजर मैंने बड़े साइज़ के लिए कद्दूकस के रखते हैं उसको मैंने 2 लिया, और साथ में ही 1/2 कप चावलों का मैंने बॉयल कर रखा था उसको मैंने ग्राइंड करके बीच में शामिल कर दिया है। तो जब चावलों को मिक्स कर लेंगे साथ में इसके डाल देंगे 1 गाजरें, कद्दूकस की हुई गाजरें भी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने गाजरें भी शामिल कर दी। अब इसको हिलाएंगे और चावल नीचे बैठ जाते हैं तो इसको इतना आप चम्मच हिलाते जाएं कि जब ये पकने लग जाएगी तो आप इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें। तो फ़िलहाल आप इसका चम्मच हिलाते जाएं क्योंकि लम्स वगैरह बन जाते हैं चावलों के, ग्राइंड करें तो जब चावल तो इसके लम्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट इसको मैंने हिलाया और मिक्स हो गई, दोनों चीज़ें पकने लग गई, और तकरीबन 45 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पे खीर हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर तकरीबन 30 मिनट लगे थे तो खीर गाढ़ी हो गई थी, चावल भी गल गए और गाजर भी जो मैंने इसके अंदर शामिल की है। तो अब इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देते हैं मेन चीज़। इसके अंदर मैंने 3 से 4 सब्ज़ इलायची भी शामिल की थी, और साथ में अब इसके अंदर डाल देते हैं चीनी। चीनी मैंने 1 चम्मच भरकर शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा पसंद करते हैं उसी टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीनी का 1 चम्मच मैंने शामिल कर दिया और इसको हिलाते जाएंगे। चीनी जब पानी छोड़ती है तो नीचे लगने लग जाती है, खीर हो कोई भी चीज़ हो, तो आप इसको मुसलसल हिलाते जाएँ। पानी जब ड्राई हो जाएगा तो ज़बरदस्त सी हमारी खीर तैयार है। अगर आप जल्दी बनाना चाहती हैं तो इसके अंदर रस 2 से 3 शामिल कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्रेड भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रेड चॉप करके ब्रेड इसके अंदर शामिल कर लें तो बहुत जल्दी ये गाढ़ी हो जाती है और फ्लेवर भी ज़बरदस्त सा आता है। तो यहाँ पर वैसे ही खीर ज़बरदस्त सी गाढ़ी सी हमारी तैयार है, और गार्निश के लिए इसके ऊपर मैंने बादाम डाल दिए, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी। जो सब्ज़ इलायची इसके अंदर शामिल की चाहें तो आप पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। दावत पे बनाएं, डिज़र्ट में इंशाल्लाह आपके साथ नई रेसिपी शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।